नरजेस साहिबा हैं, मुजना साहिबा हैं, सीमी साहिबा हैं, फायका हैं, नीबा हैं, ये फायका की मदर हैं, ये सब लोग दुबई से, जब से हमने इवेंट हमारा ये इधर से हुआ स्टार्ट, तब से ये लोग इधर ही तब से हैं, पर डेली होते हैं इधर। देखिए इस वक्त मुल्क का एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है। डिफाइनिंग मोमेंट का मतलब ये है कि ये अब एक जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है वो उस स्टेज पे है इस वक्त कि एक कौम में जब शऊर आ जाता है ना तो तब वो आज़ाद होती है। जब तक मैं ग़ुलाम हूँ और मुझे पता ही नहीं मैं ग़ुलाम बना रहता हूँ, तो जो अल्लामा इकबाल की सारी कोशिश थी, उन्होंने वो बेचारे जो ग़ुलाम ज़हनियत के बन चुके थे मुसलमान, उनकी सारी शायरी थी कि उनको जगाना और उनको बताना कि तुम क्या थे, क्या बन गए और क्यों बने। और तो ये जो आज़ादी की जो तहरीक में अल्लामा इकबाल की शायरी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि लोगों को जैसे जैसे पता चलता रहा ग़ुलामी क्या है, तो लोगों ने उसमें जो हमारी यूथ थी सारी पढ़ी लिखी वो सारी उस तरफ जाना शुरू हो गई और वो पाकिस्तान मूवमेंट में उन्होंने पूरी शिरकत की। इस वक्त भी वही हालात हैं। हालात ये हैं कि लोग ग़ुलाम हैं, रिप्लेस होगी अंग्रेज़ की एलीट से, यहाँ की एलीट ये कानून के ऊपर हैं, इनके लिए NRO है, चोरी बिशक करें इनको नहीं पकड़ोगे, इनके लिए अलहदा कानून है। कब्ज़ा ग्रुप हैं, ताकतवर बेचारे कमज़ोर पे कब्ज़े कर लेते हैं ज़मीनों पे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा आपको अंदाज़ा है कि प्लॉट्स लेते हैं उस पर कब्ज़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो जस्टिस सिस्टम नहीं है, जब इंसाफ नहीं होता तो इंसान ग़ुलाम बन जाता है। इंसाफ जो आप अब मसलन आप डेनमार्क में हो ना, अब डेनमार्क की क्लासिक चीज़ है कि डेनमार्क 180 मुल्कों में से सबसे ज़्यादा जो जिस पे सबसे बेहतर गवर्नेंस नहीं गवर्नेंस करप्शन सबसे कम है वो डेनमार्क में, नंबर 180 में, पाकिस्तान 140 पे। रूल ऑफ लॉ में 140 मुल्कों में डेनमार्क नंबर 1 है बेस्ट रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान 140 में से 129 है। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम है कोई 1600, डेनमार्क की है 66,600 डॉलर। सो रूल ऑफ लॉ कनेक्टेड है प्रॉस्पेरिटी से। रूल ऑफ लॉ मींस के जब आप इंसाफ कायम करते हैं, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में किया था, तो उसने पहले इंसाफ आया था फिर प्रॉस्पेरिटी आई। तो जो हमारे सारे लोग तरसते हैं बाहर जाने के लिए, वो इसलिए चलते हैं, वहां जो वर्ड है लेवल प्लेइंग फील्ड वो देता ही रूल ऑफ लॉ है। सो इसलिए ये स्ट्रगल चल रही है और ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में ना एक शऊर पैदा हो गया लोगों में, सब खड़े हो गए, कौम इस तरफ आ गई। तो कौम से ये नहीं होगा कि हम समझें कि चुप करके हाथ खड़े करके दे देंगे। देखा घर पे हमले, ये कोशिश कर रहे हैं कि खौफ इतना फैला दे कि लोग डर जाएं, लेकिन वो खौफ खत्म हो गया।